तंत्र को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुल पुलिया के जीर्णोद्धार का उठाया बीड़ा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नहरों पर 25,050 पुल पुलिया निर्माण के महाअभियान का किया शुभारंभ। 100 दिन के भीतर कार्यों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। एसी मैकेनिक के साथ लूट की घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गुलरिहा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के पास से लूट की बाइक के साथ डीएल गाड़ी का मूल कागजात और 450 रुपया नकद भी किया बरामद, भेजा जेल। मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग कर भाग रहे एक बदमाश को चोरी की बाइक के साथ चोरी चौरा थाने की पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर हुए फरार। पुलिस ने चोरी की एक बाइक, एक अदद 315 बोर का तमंचा, कारतूस व एक खोखा और 1 किलो 200 ग्राम गांजा किया बरामद, भेजा जेल। 8 से 21 फरवरी तक लगाए गए स्पेशल हैंडलूम प्रदर्शनी का मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा हुआ समापन। सीडीओ ने किया प्रदर्शनी का अवलोकन। अच्छी बिक्री करने वाले दुकानदारों को किया सम्मानित। कहा, प्रदर्शनी से मिलता है स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा, आत्मनिर्भर बनेंगे बुनकर। प्रत्येक रविवार को लगने वाले मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का जिले के नगरीय और ग्रामीण केंद्रों पर किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में मरीजों का किया गया उपचार। लोगों का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का बनाया गया गोल्डन कार्ड। नगर विधायक ने किया हुमायूंपुर उत्तरी में कुबेर हॉस्पिटल से गब्बूलाल वर्मा व स्वर्गीय डॉक्टर राजीव केतन के मकान से अशोक श्रीवास्तव के मकान तक बनने वाली सीसी रोड का शिलान्यास। स्वर्गीय डॉक्टर राजीव केतन मार्ग का भी किया गया नामकरण। कहा, सिर्फ अपने कला व फोटोग्राफी के लिए ही नहीं बल्कि हसमुख व्यवहार के लिए भी जाने जाते थे स्वर्गीय डॉक्टर राजीव केतन। शाहपुर थाना क्षेत्र के एचएन सिंह चौराहा निवासी रणधीर सिंह रविवार को मीडिया से हुए रूबरू। अपने भूमि के मुआवजे की मांग, जबकि एक अन्य व्यक्ति भी मुआवजे का कर रहा है दावा। मुआवजे की धनराशि को एसएलओ ऑफिस में कराया गया जमा। सक्षम न्यायालय द्वारा जिसके पक्ष में जारी होगा आदेश, वह अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर मुआवजे का क्लेम करके प्राप्त कर सकता है मुआवजे की धनराशि। गोरखपुर में रविवार को मिला मात्र एक नया कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,456। अब तक 364 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 40 रह गए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। महिला सर्वोदय मंडल द्वारा सिविल लाइन्स स्थित एक क्लब में बसंत उत्सव का किया गया आयोजन। निक्की रानी को चुना गया बसंत क्वीन। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए की गई चर्चा। और लक्ष्य चैंपियन ट्रॉफी प्राइज मनी क्रिकेट प्रतियोगिता में वाराणसी की टीम बनी विजेता। लखनऊ को 6 विकेट से हरा कर किया कप पर कब्जा। मुख्य अतिथि ने विजेता टीम को 75,000 तथा उप विजेता टीम को 50,000 व शील्ड मेडल देकर किया पुरस्कृत।